एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा द थ्री जेंटल ब्रोस एपिसोड 17। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में व्यू को दिखाया जाता है, वो लेट नाइट काम कर रही थी। उसके पास आरती आता है। व्यू बताती है वो एक कंपटीशन में भाग लेने वाली है, वहाँ पे उसे बहुत सारी फूड्स की डूडल्स बनानी है, यानी कि पिक्चर। फिर वो व्यू के लिए खाना लाता है और वो उसे फूक देने जाता है, लेकिन व्यू उसके हाथ से ही खाती है। वो बोलता है मैं तो बस तुम्हें ये फूक देने की कोशिश कर रहा था। व्यू शर्मा जाती है। फिर व्यू बोलती है क्या तुम ठीक नहीं हो? वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ मैं ठीक करने वाला हूँ। इसीलिए वो बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जो भी हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग आरती अपना सामान पैक करता है और वो जाने वाला था। ये देख के व्यू को बहुत बुरा लगता है। व्यू बोलती है तुम क्यों जा रहे हो? वो बोलता है मैंने अपने मॉम के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है, और हाँ मेरे मॉम को भी पता चल गया है कि हमारी रिलेशन अब फेक है और अब से मैं तुम्हें हायर नहीं कर पाऊंगा। वो बोलती है मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बोलता है लेकिन मुझे तुमसे अभी कोई भी बात नहीं करनी है, मैं यहाँ पर ही सब कुछ एंड करना चाहता हूँ बस। और हाँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है मेरी वजह से, जितना भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ, और अब से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा मेरी वजह से। आरती वहां से चला जाता है। व्यू बोलती है मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन ये बात तुमने नहीं सुना। पिम आरती को लेके शॉपिंग आई थी और वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मुझसे कभी भी दूर मत जाना, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो बार बार मना करता है, फिर भी पिम उसे बहुत सारे वॉच खरीद के देती है क्योंकि उसे बहुत पसंद है वॉच खरीदना। फिर भी वो खुश नहीं था। पिम पूछती है बोलो तुम्हें और क्या चाहिए? वो बोलता है खुशी, क्या मुझे आप खुशी खरीद के दे सकती हो? पिम बोलती है खुशी बहुत ही सिंपल है, खुशी मैं तुम्हारे लिए अभी ले आऊंगी। पिम ने इरी और उसके मदर को रेस्टोरेंट में बुलाया था। इरी बहुत गुस्सा होती है, बोलती है आप दोनों ने फिर से वही शुरू कर दिया। पिम बोलती है नहीं तुम दोनों एकदम सेम टू सेम हो। बहुत सारे क्वेश्चन करते है दोनों मदर अपने अपने बच्चों से, सेम आंसर आता है लाइक तुम्हारा फेवरेट फ्लावर क्या है, कलर क्या है, फेवरेट बुक क्या है, एक्सेट्रा। इरी आरती को बोलती है तुम बहुत बुरे हो, तुम बिक गए है ना तुम्हारे माँ के पास, तुम्हारे माँ ने जो जो बोला तुम वही कर रहे हो है ना। आरती बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या तुम्हें पसंद है। इरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो आरती को बहुत ही ज्यादा पीटना स्टार्ट करती है। उनके मदर दोनों को बहुत ही मुश्किल से संभालते है। पिम बोलती है पता है जो कपल ना ज्यादा लड़ते हैं उनमें प्यार ज्यादा होता है, तुम दोनों को डेट कर लेनी चाहिए। दोनों ही दोनों को गुस्से से देखते हैं। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने थ्योरी के बारे में बोलना था। पहले आरती की बारी आती है। उसकी थ्योरी ये थी कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच कितनी कॉमन और अनकॉमन चीजें हैं। वो बोलता है हमें एक्चुअली जो चाहिए वो कभी भी मिलता ही नहीं, हम चाहे जितना भी स्ट्रगल कर ले। और वो बात सुन रही थी नाम्बा। नाम्बा याद करती है कि कैसे व्यू को जॉब नहीं मिल रहा है और वो बहुत ही परेशान है, और उसकी भी खुद की जॉब जा चुकी है क्योंकि वो कैफे बंद हो चुका है, और उसके मॉम को भी किसी ने हायर नहीं किया है, और उन लोगों को ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर आरती बोलता है हम लोगों के जनरेशन में हम जिन्हें पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करते हैं, और अगर हमें कोई अच्छा जीवन साथी मिल भी जाए लेकिन हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं हमारे ओल्डर वर्शन लोगों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पास्ट की बातें दिखाई जाती है। पिम अपने हर एक हस्बैंड के साथ अपने पिक्चर्स निकालती है और ना फेंक रही थी, और ये सब आरती देख रहा था बहुत ही ज्यादा सैडली। नाम्बा समझ जाती है कि आरती बहुत ही ज्यादा सैड है। नाम्बा घर आती है और व्यू को बोलती है तुम दोनों को हुआ क्या है, उसने तुम्हें हायर करना बंद कर दिया है और तुम भी सैड हो बहुत ज्यादा, वो भी सैड है, तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। व्यू बोलती है नहीं वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसी वजह से वो चला गया और उसने मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा है। नाम्बा बोलती है उसके फैमिली में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें थोड़ा तो समझना होगा है ना। आरती लाइब्रेरी में अकेला पढ़ रहा था, वहाँ पे व्यू आती है उसके लिए खाना लेके।
उसका पसंदीदा खाना। फिर वो बोलती है, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? आरती बोलता है, मुझे असल में मॉम के साथ नहीं रहना था और मैं बोर भी हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे आ गया। फिर वो बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो बोलती है, लेकिन हमारे बीच एक फ्रेंडशिप तो है ना, इसीलिए मैं आई हूँ। और चलो, तुम बोर हो रहे हो ना, हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। फिर दोनों घूमने जाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। फूड स्टॉल के सामने आके आरती पूछता है, यहाँ पर वो कंपटीशन था ना, क्या तुमने पार्टिसिपेट लिया था? वो बोलती है, नहीं, असल में मेरा ना स्केच कंप्लीट नहीं हुआ है। आरती व्यू को लेके एक रेस्टोरेंट आता है और उन्होंने कॉर्नर वाली सीट ली थी ताकि स्केच करते वक्त व्यू को परेशानी ना हो, और उसने बहुत सारे फूड भी मंगाए थे ताकि उन्हें देख के वो स्केच बना पाए, और बीच बीच में वो उसे खिला भी रहा था और व्यू स्केच कर रही थी। फिर व्यू की ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाती है, उसने बहुत अच्छी ड्राइंग करी थी। दोनों बात करते करते बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। आरती व्यू को किस करता है, फिर दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। आरती माफ़ी मांगता है, बोलता है, सॉरी, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना? वो बोलती है, नहीं, मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। आरती बोलता है, तो सन? वो बोलती है, ऐसा कुछ भी हमारे बीच नहीं है, उसने मुझे पार्ट टाइम जॉब दिया था इसीलिए मैं उसके घर गई थी, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती किस की और वो बार बार बोल रहा था कि ब्रेकअप कर लो। मैंने उसे बोला था कि मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और अब मैं आरती से ही प्यार करती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों साथ में हैं और मैं खुश हूँ। आरती बोलता है, तो मैंने तुम्हें गलत समझा था उस दिन। वो बोलती है, हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, और क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? फिर वो आरती को किस करती है, दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। तभी व्यू को उसकी मॉम कॉल करती है, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। व्यू के मॉम को गैम्बलिंग की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया था। व्यू बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, बोलती है, आपने हम दोनों से बोला था फिर से आप ये सब नहीं करोगी, आप मुझे और मेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं प्यार करते हो, आपकी वजह से हम दोनों इतना कुछ करते हैं। वो बार बार बोलती है, मैंने इस बार गैम्बलिंग नहीं किया था, मैं तो बस उनके पैसे लौटाने गई थी, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। और वो दोनों ही बहुत रोने लगते हैं। वो बोलती है, मैं इस बार जॉब लेके आई हूँ एक रेस्टोरेंट में, हम अब से कभी भी स्ट्रगल नहीं करेंगे और मैं कभी भी गैम्बलिंग नहीं खेलूंगी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन के साथ रहूंगी हमेशा। ये देख के आरती को बहुत अच्छा लगता है। व्यू आरती को बोलती है, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, तुमने मेरे मॉम के लिए यहाँ पे जितने भी पैसे दिए हैं। वो बोलता है, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। ऑफिस में काम अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि व्यू छोड़ के चली गई थी। व्यू की जगह जो भी लोग आ रहे थे उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सन पिम को बोलता है कि आपको उसे बुला लेना चाहिए। सब लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके बिना ये स्टोरी तो कंप्लीट ही नहीं होगी। पिम गुस्से में बोलती, मैं सोच के देखूंगी। बैम, आरती और व्यू लाइब्रेरी में थे और वहाँ पे इरी बहुत ही गुस्से से आती है और बोलती है, देखो पिम ने क्या किया, पिम ने उन दोनों की एंगेजमेंट ठीक करी है, मतलब आरती और इरी की। सब लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। व्यू बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मेरी सारी बात को आप सभी को मानना पड़ेगा। इरी और आरती रेडी होते हैं और दोनों एंगेजमेंट के लिए रिहर्सल कर रहे थे। आरती तो ठीक ठाक मूड में था, लेकिन इरी को बहुत गुस्सा आता है, वो तो आरती को पकड़ के पीटने लगती है। सब लोग जैसे तैसे करके उसे छुड़ाते हैं। आरती पार्टी के लिए काम कर रहा था, ये देख के थेम्स और इच तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो व्यू से प्यार करते हो ना, बोलो क्या प्लान है, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें ये एंगेजमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बोलता है, तुम लोग टेंशन मत लो, हमारा प्लान बहुत तगड़ा है, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है। पिम ये देख के बहुत खुश होती है कि आरती और इरी दोनों ही बहुत खुश दिख रहे थे। वो सबसे बोलती है कि इनका एंगेजमेंट हम अभी कर रहे हैं, लेकिन शादी ये लोग बहुत साल बाद करेंगे, जब इनकी स्टडी पूरी हो जाएगी उसके बाद। दोनों मदर्स ही बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। आरती बोलता है, हाँ, आप लोग चाहते हो ना कि मैं भी खुश रहूं और इरी भी खुश रहे, तो इरी की खुशी मुझ में नहीं है। फिर इरी की गर्लफ्रेंड पिम आती है, इरी उसे लेके आती है, और ये सब व्यू का प्लान था
कि एंगेजमेंट में वो पिम को ले आएंगे और इरी आके उसके मॉम को बोलती है, मॉम यही मेरी खुशी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर पिम पूछती है आरती से, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी खुशी कौन है। तभी वहाँ पे व्यू आती है और ये देख के इच और थेम्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आरती उसके पास भाग के जाता है और पिम भी पीछे जा रही थी, लेकिन इच और थेम्स उन्हें रोक लेते हैं। बोलते हैं, प्लीज मॉम, अब तो उसे अपने मर्जी की करने दीजिए। आरती व्यू को लेके भाग जाता है। एपिसोड 17 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।